हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास दूध लिया हुआ, ये देखिए नाप कर, कम से कम ये 1 लीटर के करीब होगा। और इसको हम गैस के फ्लेम पे चढ़ा देंगे और दूध में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। और इसे हमें चलाते हुए उबालना है। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम करके ही दूध को चलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है। इसके चारों ओर घुमा घुमा कर हमें इस दूध को अच्छी तरह से पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाता है। हम ये जो किनारे किनारे साइड के भी दूध है उसको भी ऐड करते जाएंगे, इसी में मलाई जो बनती जाती है, ये देखिए जो हमारी मलाई है, हम इसको इसी दूध में मिक्स करते जाएंगे। अब देख सकते हैं हमारा दूध आधा पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने लगभग 200 ग्राम करीब मिल्क पाउडर लिया है। इसमें दो दो चम्मच ऐड करके इसे उसमें मिक्स करती जाऊँगी। यहाँ पे हमें दो दो चम्मच करके थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए ऐड करना है पाउडर को, जिससे इसमें गुलथियाँ ना पड़े। और फिर हम इसे चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर, इस तरह करके हम इसे चलाते रहना है। ये देखिए अब हमारा जो रस पाउडर है, हम उस सभी को इसी में ऐड कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक हमें इसे चलाते रहना है। आप देख सकते हैं दूध का कलर कितना क्रीमी हो गया है। ये दूध को अच्छी तरह से पकने से दूध का कलर कितना अच्छा क्रीमी हो गया है, ये देखिए। हमें इसी तरह से पकाते रहना है चलाते हुए। देखिए आप देख सकते हैं हमारा दूध अब अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है कम से कम 100 ग्राम पनीर। पनीर को ऐड करने से हमारे दूध में जो मिठाई है वो अच्छी से बन के तैयार होगी और दानेदार बनकर तैयार होगी, इसलिए हम मैंने पनीर का ऐड किया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 200 ग्राम चीनी। मैंने इस कप के नाप के लिया है चीनी। आप चाहे तो अपने हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। अब मैंने ये देखिए अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है और उसको हम चलाते रहेंगे, जिससे चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। देखिए इस तरह में चलाते रहना है। ये देखिए इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, इससे हमारा दूध ठीक हो रहा है, इससे पता चलता है। ये देखिए हमें इसे अच्छी तरह से इसी तरह चलाते रहना, थोड़ी देर कम से कम 1 से 2 मिनट तक हमें इसे और चलाते रहना है। आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण जो था दूध का अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए, थोड़ी देर के लिए ठंडा होंगे, फिर हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टील का एक बाउल लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया। आप चाहे मोल्ड्स ले सकते हैं जिसमें आप केक या कोई कुछ भी बनाते हैं। यहाँ पर मैं बाउल इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करें और उसमें जो बैटर है मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। हमने सभी बैटर को बाउल में ऐड कर दिया और अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी लगा सकते हैं। इसके 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसे स्पैचुला की मदद से फ्लैट कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकती हूँ। आप आपको अपनी मनपसंद शेप में कट कर लीजिए, मैं इसके स्क्वायर में कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे पीसेस कट कर लिए हैं और मैंने इसके साइड के पीस निकाल दिए। अब इसे मैं कुछ ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करूँगी। यहाँ पे मैं काजू ऐड से डेकोरेट कर दे रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। आपको हमारी ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।